प्रथम दिन या प्रथम स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होती है, इसकी पूजा के नियम क्या है पंडित जी? जैसा कि हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्रि के हर दिन एक अलग तरह की शक्ति प्रवाहित होती है, और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो नवरात्रि के पहले दिन देवी का कौन सा स्वरूप और उनकी कौन सी पूजा होगी? देखिए, नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है, यानी नवरात्रि के प्रथम दिन अगर आप पूजा करें तो आपको स्वास्थ्य का वरदान मिल सकता है। इस दिन नव दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा होती है, नव दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माता की उपासना करनी चाहिए लाल फूलों से, लाल गुड़हल का फूल हो, लाल गुलाब का फूल हो, लाल फूलों से नव दुर्गा के पहले दिन माता की उपासना की जाएगी। और नवरात्रि के पहले दिन का जो विशेष भोग होगा वो गाय के दूध का शुद्ध घी उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो नवरात्रि के पहले दिन अगर आप लाल फूल से और गाय के दूध से बने हुए घी से माता की पूजा करें तो आपके स्वास्थ्य की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और इस बार पहले स्वरूप की उपासना 15 अक्टूबर को की जाएगी, प्रथम स्वरूप की उपासना 15 अक्टूबर को होगी। देखिए, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि नवरात्रि की पूजा मुख्यतः रात की पूजा है, इसीलिए आप सुबह पूजा करें, आप दोपहर में करें, शाम को करें, अच्छी बात है, लेकिन नवरात्रि में मध्य रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप देवी की उपासना करें तो आपको लाभ ज्यादा होगा। बिल्कुल। अब दूसरे दिन यानी द्वितीय स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होनी चाहिए ये समझते हैं, और उसमें पूजा के नियम क्या है? तो आपने नवरात्रि के पहले दिन जब पूजा की तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। अब जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया हुआ तब आपको आगे चलना होगा ज्ञान के लिए, विद्या के लिए और बुद्धि के लिए। तो नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में जो शक्ति प्रवाहित होती है वो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। नव दुर्गा के दूसरे दिन यानी नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्रवाहित होती है, और इस दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है, प्रथम स्वरूप में शैल पुत्री और द्वितीय स्वरूप में ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है। इस दिन माता की उपासना की जाएगी सफेद फूलों से, और साथ ही साथ उन्हें शक्कर का भोग लगाया जाएगा। यानी अगर आपको ज्ञान का वरदान चाहिए, आपको कठोर साधना करनी है, कठोर तपस्या करनी है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन आपके लिए साधना करना जरूरी होगा, और नवरात्रि के दूसरे दिन जब आप साधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो देवी की कृपा से आपको ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा और तपस्या में सफलता की गारंटी मिलेगी। सफेद वस्त्र पहन करके, सफेद वस्तुओं से अगर आप नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की उपासना होगी 16 अक्टूबर को, यानी 16 अक्टूबर को माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी।
बिल्कुल, तो ये दो दिन हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे दिन यानी तीसरे स्वरूप के रूप में किसकी उपासना होनी चाहिए और उसके पूजा के नियम क्या है वो भी समझते हैं। नवरात्रि का जो तीसरा दिन है अर्पिता, वो शक्ति प्राप्त करने का दिन है। पहले दिन आपको स्वास्थ्य मिला, दूसरे दिन आपको ज्ञान मिला और तीसरे दिन आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, साहस, ताकत, क्योंकि उसके बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नवरात्रि के तीसरे दिन साहस और आत्मविश्वास की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन साहस और आत्मविश्वास की शक्ति प्रवाहित होती है। इस दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहते हैं। इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से की जाती है और साथ ही साथ माता को दूध का भोग लगाते हैं या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन से व्यक्ति को सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन आप साधना कर रहे हो, आपको खुशबू आने लगे, आपको देवी के होने का अनुभव होने लगे, आपको चमत्कार अनुभव होने लगे, तो आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी साधना को कंटिन्यू रखना है। जब आप पहले दिन से साधना शुरू करते हैं तो तीसरे दिन पहुंचते पहुंचते आपको सिद्धियों का अनुभव होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको सिद्धियों में फंसना नहीं है, आपको साधना करके देवी की प्राप्ति करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। माता चंद्रघंटा की जब नवरात्रि के तीसरे दिन आप पूजा करते हैं तो आपको साहस मिलता है, आपको आत्मविश्वास मिलता है और आपको शक्ति मिलती है। तो माता चंद्रघंटा की पूजा अगर आप लाल फूलों से करें तो इसके परिणाम बहुत सुंदर होंगे और माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी आपको लगाना है। इस बार तीसरे स्वरूप की उपासना 17 अक्टूबर को की जाएगी और ये उपासना करने से आपको साहस भी मिलेगा और आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति भी होगी।